चलो फ्रेंड्स, अब हम कार्बोरेटर को फिटिंग स्टार्ट करते हैं, है ना। हमारा कार्बोरेटर पूरी तरह से क्लीन फ्रेश देख सकते हैं आप, है ना। तो फ्रेंड, सबसे पहले हम इसके नीचे वाले पार्ट को लगाते हैं जो मैंने निकाला है ना। तो इसको अपन यहाँ रख देते हैं। देखिए इसमें कितनी छोटी बारीक स्प्रिंग है और ये इस पर छर्रा। सबसे पहले अपन छर्रे को डालेंगे। उसके बाद ये बारीक स्प्रिंग है जिसके ऊपर उसके ऊपर जाएगा। इसके ऊपर ये स्प्रिंग के ऊपर इसका नट, ये लग गया फ्रेंड, तैयार हो गया। इसके अपन पीस लगा देते हैं इसको। फ्रेंड्स, इसका ये काम हो गया नीचे का, ये लग गया है जो पंप कर रहा है। इसको अपन साइड रख देते हैं। इसके अपन ऊपर का स्टार्ट करेंगे। ये इसकी जगह पे लगाएंगे, कैप यहाँ लगेगा। इसके ऊपर ही देख रहे हैं फ्रेंड्स आप, के ऊपर आपका एक कैप उस टाइप से ही बराबर लग गया। दो बारीक नट लगा लेंगे। स्प्रिंग थोड़ा फेंकता है फ्रेंड, देखिए इसको थोड़ा पकड़ के लगाना पड़ता है।
से पूरी तरह अभी टाइट हो गई। काम हो गया। नेक्स्ट स्टेप इसके कैप अपन लगाते हैं। क्लोजेड कमेंट जेड तो फ्रेंड्स हम इसका अपन लगाते हैं स्क्रू। टाइट के बाद हम इसका लगा देंगे कैप। ये फ्रेंड्स ये नीचे का अपना हो गया। अब अपन लगाएंगे इसका एक्सीलेटर वगैरह। तो पहले हम इसको लगाएंगे फ्रेंड्स। ऐसे ही काम करता है।
फ्रेंड्स अब लगाने आ रही है चौक की बारी। चौक को अपन लगाएंगे। क्या फ्रेंड थोड़ा सा मैं ग्रीस लगा देता हूँ, क्या पुरानी बॉडी है। इसके अंदर एक वाइसर लगा, वाइसर उसके बाद ये प्लेट लगेंगे ऊपर। देखिए फ्रेंड्स इसका चौक काम कर रहा है, गाड़ी हमेशा ऐसे रहेगा, ये चौक पहला, ये चौक दूसरा। ठीक है फ्रेंड्स, पहला चौक दूसरा चौक। तो चौक भी लग गया इसका, है ना, ये भी लग गया। अब इसका बच गया ये आइडल स्क्रू, आपका आइडल स्क्रू यहाँ सेट होगा फ्रेंड्स, ये अपनी जगह में से जाएगा, ओके बैठ जाएगा, ओके ओके टाइट हो जाएगा। देखिए ये आ गया आपका आइडल स्क्रू बाहर। अब ये पूरी तरह से लग गया है, कार्बोरेटर पूरी तरह से फिटिंग हो गया है। तो इसका प्रोसेस ऐसा रहता है। तो फ्रेंड्स पैक करने से पहले मैं इसको स्क्रू वगैरह को आपको मैं फाइनल करवा देता हूँ कि इसके कौन से जेड है, कौन से मेन जेड है, कौन स्लो जेड है, आइडल स्क्रू, मेन स्क्रू। तो फ्रेंड्स ये जो है आपका सबसे पहले आपका ये स्लो जेड है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका ये मेन जेड है, ये मिक्सचर स्क्रू है, ठीक है। जैसे पैक होने के बाद आप ये आपका मिक्सचर स्क्रू है, इसी से ही आपका पेट्रोल एवरेज सब सेटिंग होगा, ठीक है। और ये आपका आइडल स्क्रू है ना फ्रेंड्स, ये इसे गाड़ी की आइडलिंग सेट होती है, ये आइडल स्क्रू। ये आपका एक्सीलेटर और फ्रेंड हम आते हैं इसके चोक पे। चोक चोक फ्रेंड्स हमेशा ये न्यूट्रल्स का पोजीशन रहता है, ये न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, इसका कवर ऊपर रहेगा। इसमें दो चोक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है फ्रेंड्स। और ये न्यूट्रल वापस अपनी जगह में, ये फर्स्ट ये सेकंड, ये न्यूट्रल आप वापस अपनी जगह में, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइए। वॉचिंग के लिए थैंक्स, ये दीवाने हैं।